हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी स्नैक जो है 4 इंग्रेडिएंट कोकोनट कुकीज, वेरी क्रिस्पी, वेरी हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड वेरी वेरी इजी टू मेक। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए। तो 2 कप मैंने लिया है कोकोनट फ्लेक्स, आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश कोकोनट ले रहे हैं तो उसका जो मिल्क होता है वो आप रिमूव कर दीजिए और बाद में जो बचता है जो हस्क जैसे ड्राई फॉर्म में वो हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी के लिए। अगर ज़्यादा गीला होगा तो कुकीज़ क्रिस्पी नहीं बनेंगी। 1/2 कप जैगरी पाउडर लिया है यहाँ पर मैंने, आप होल जैगरी भी ले सकते हैं, उसे तोड़ कर आप इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून है पीनट बटर, आप कोई और नट बटर ले सकते हैं, और अगर आपके पास नट बटर नहीं है तो आप मूंगफलियों को अच्छी तरह से पीस के उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून आपको वो भी सेम अमाउंट में चाहिए। 1 होल एग लेंगे हम और 1 लेंगे एग व्हाइट, यानी येलो पार्ट उसका हम रिमूव कर देंगे। सबसे पहले एक ब्लेंडर में हम कोकोनट फ्लेक्स और जैगरी पाउडर को ब्लेंड करेंगे। तो अगर आप कोकोनट ड्राई वाला ले रहे हैं तो उसके साथ आप जैगरी जो है आप होल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब एक बोल के अंदर मैंने क्रैक कर लिया है, 1 एग का मैंने एग व्हाइट लिया है और 1 मैंने लिया है होल एग, ये मीडियम टू लार्ज साइज एग हैं। अब मैं इसमें पीनट बटर ऐड कर दूंगी और उसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब अपने इस मिक्सचर के अंदर हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे कोकोनट एंड जैगरी का मिक्सचर। तो स्लो स्लो हम ऐड करेंगे और ये इस तरह का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैंने एक ट्रे ली है, ये माइक्रोवेव की ट्रे है, अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप ओवन की ट्रे ले सकते हैं। उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है जिसे बटर पेपर भी कहते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको ऑयल से या घी से अच्छी तरह ग्रीस कर सकते हैं। अपने हैंड्स को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए और अब इक्वल साइज की हमें स्मॉल स्मॉल कुकीज बनानी है। कुकीज को डिस्टेंस पे प्लेस करें ताकि वो स्टिक ना हो जब वो थोड़ी सी स्प्रेड हो। ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसे हेल्दी रखा है। अब हम इसे बेक करेंगे इन अ प्री हीटेड ओवन और माइक्रोवेव में एट अ कन्वेक्शन मोड 170 डिग्री पर 15 से 18 मिनट के लिए। आप इसे चेक करते रहिए क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर या माइक्रोवेव का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15 मिनट के बाद इसे आप चेक करना शुरू कर दीजिए। इसे एक्स्ट्रा अगर आपको क्रिस्पी बनाना है तो देखिए, सेकंड बैच जो मैंने बनाया उसे फ्लैट करके बनाया मैंने, तो आप पतला कर सकते हैं अपनी कुकीज को अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए, और अगर बीच में से थोड़ा सा गुई चाहिए, थोड़ा सा थिक चाहिए। जैसे मेरे घर में कई लोगों को बहुत क्रिस्पी कुकीज पसंद है और कईयों को बीच का गुई पार्ट, क्योंकि वो स्पेशली दूध के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। सो वंस बेक्ड, ट्रांसफर द कुकीज ऑन अ रैक और इसे अच्छी तरह से हम ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तब आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। इंजॉय दिस कुकीज एज अ हेल्दी एनी टाइम स्नैक। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं 3-4 वीक्स के लिए। फॉर वेजिटेरियन ऑप्शन, कई लोग बोलेंगे कि हम इसमें एग नहीं डालें तो उसका सब्स्टिट्यूट बताइए। 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड का पाउडर सोक किया हुआ उतने ही अमाउंट वाटर में या थोड़ा सा उससे ज्यादा पानी में, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, और आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एग से। सो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसका वेजिटेरियन वर्जन भी मैं आपके साथ शेयर करूं, हालांकि तरीका मैंने बता दिया है, तब भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी मेरी वेबसाइट पर भी मिल सकती है, इसका टेक्स्ट फॉर्म दैट इज www.foodfitnessandfun.com। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर हेल्दी डिलिशियस रेसिपी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।